आज मैं जनपद गाजीपुर का भ्रमण पर आया हूं, सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ और चुनाव कार्यालय और LIU सबके साथ अभी बैठक कर रहा हूं। और इसमें सभी से ये जानकारी प्राप्त की गई है, अपना अपना सर्किल में जो अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र क्या है और वल्नरेबल क्षेत्र क्या है और अपराधी तत्व जो है ज़्यादा किस किस क्षेत्र में है, उनका गतिविधियों के बारे में सब चीज़ों के बारे में जानकारी किया है। और इसके बाद मैं मतदान केंद्रों का और जहां CPMF रुकने का स्थान है उन स्थानों का मैं भ्रमण करूंगा, तो वहां का जो व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करूंगा। सर इस बार का जो है बिहार के पास, ये बिहार का लगभग जो है 34 किलोमीटर जो बक्सर और भभुआ क्षेत्र में जो है उसका उससे बॉर्डर लगता है, तो उस एरिया में हमारा जो है इंटरस्टेट बैरियर्स लगेगी और पर्याप्त मात्रा में इंटरस्टेट बैरियर्स और वहाँ पर्याप्त पुलिस बल भी वहाँ तैनात किया जाएगा और जो एक तरीके से जनपद को चारों ओर से सील कर किया जाएगा। एक तो बाकी जो है इधर हमारा चंदौली और इधर वाराणसी रूरल और जौनपुर ये सभी इधर मऊ का भी बलिया का भी बॉर्डर है यहाँ का, तो जो अंतर जनपदीय बॉर्डर भी है ये सीमाओं पर भी बैरियर्स लगेगा और वो जो है जनपद में आने जाने वालों का गतिविधियों पर वहाँ चेक किया जाएगा। सर गंगा से बहुत सारा हिस्सा डिवाइड होता है, ट्रांस गंगा में बिहार का इलाका पड़ता है, इस तरफ UP गाजीपुर का इलाका पड़ता है, तो सर वाटरवेज पे सर्विलांस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? वाटरवेज का भी जो क्योंकि PAC भी मिलता है, फिर वहाँ PAC का जो डिप्लॉयमेंट होगा और उस तरीके से जो वाटर बॉडीज का जो माध्यम से कोई भी इधर के तरफ आने का प्रयास होगा तो वहाँ बैरियर पर वो चेक करके फिर उसका खिलाफ कार्रवाई होगी। सर इस बार का चुनाव तो हर बार चुनौती रहती है, तो इस बार जो है काफ़ी अपराधियों के विरुद्ध बहुत पहले से अच्छा कार्रवाई हो चुकी है और काफ़ी उनका संपत्तियों का कुर्की की गई है और इस समय पुलिस का दबदबाव ज़्यादा है और उनका जो है पुलिस का सक्रियता बहुत ज़्यादा है, तो विगत सालों के कंपैरिजन में हम देखेंगे अब इस समय जो है पुलिस का जो काफ़ी जो मजबूत दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से जो मुझे लगता है या पिछले सालों का कंपैरिजन में इस बार हमारा स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश CR पैरामिलिट्री फोर्स लगाने का जो निर्णय केंद्रीय निर्वाचन आयोग का है, तो वो हर बार लगता है निष्पक्ष और जो शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय पुलिस बल लगती है, तो इस बार भी 3 कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है, वो जो है एरिया डोमिनेशन के लिए 3 सर्किल एरिया में उनको लगा दिया गया और सभी बाकी जो शेष कंपनियां जो आएगी तो हर मतदान केंद्र पर CPMF का फोर्स डिप्लॉय होगा। सर इस बार नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ा दिए गए हैं, तो क्या उसी क्वांटम में पुलिस फोर्स के सामने भी चैलेंज रहेगा कि हर बूथ को कवर करना, सिक्योरिटी कवर देना? हर बूथ को कवर किया जाएगा, ये केंद्रीय पुलिस बल से भी हमारा स्थानीय पुलिस से भी जो है हर मतदान केंद्र कवर होगा और साथ में PAC भी मिल रहा है, PAC का भी डिप्लॉयमेंट होगी, तो ये सभी फोर्सेस को रोकने की व्यवस्था भी कप्तान साहब के द्वारा काफ़ी एक्सरसाइज कर दिया गया, इनका जो है जगह जगह पर यह कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है SP साहब स्वयं सक्रिय है, अब वो उन्होंने जो है अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में काफ़ी कार्रवाई किया जा चुका है और संपत्ति का कुर्की भी का 50 करोड़ से ऊपर जो है वो इनके आने के 3 महीने में ही अच्छा कार्रवाई किया हुआ, तो काफी अच्छा कार्रवाई हुआ। अभी कोविड चल रहा है, क्या लगता है कि कोविड में किस तरह के गाइडलाइन होंगे या फिर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? कोविड के लिए भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, बेसिकली पुलिस के लिए अलग से बजट भी मिल रहे हैं, इसके लिए मास्क और सैनिटाइजर खरीदा जाएगा और सभी पुलिस वालों को दो डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है, अब बूस्टर डोज का भी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो इस प्रकार के पुलिस बल के लिए वैक्सीनेशन हो गई और जो मतदान के दिन जो है वो मतदान केंद्रों पर गोला बनाया जाएगा, गोले में जो है एक एक जो मतदाता खड़े रहेंगे, तो उस प्रकार जो है वहाँ भी दूरी मेंटेन करते हुए एक व्यवस्थित रूप से सबका मतदान होगी और कोविड के लिए कोविड नियमों का अक्षरतः पालन किया जाएगा।